हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू दिस फ्रेश वीडियो। और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पाइथन के अंदर ये मॉड्यूल्स क्या है और ये मॉड्यूल्स के साथ हम क्या कर सकते हैं और मॉड्यूल्स के कितने टाइप्स है। तो पहले मैं आपको मॉड्यूल्स क्या होते हैं वो बताता हूँ। मॉड्यूल्स एक ऐसी चीज होती है जिसको आप अपने पाइथन के कोडिंग के फाइल में इंपोर्ट कर आप उसके फंक्शंस और प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मॉड्यूल्स के और दो टाइप्स होते हैं यहाँ पर। तो वो होते हैं कि एक इंटरनल मॉड्यूल्स होता है जो प्री इंस्टॉल्ड होता है ऑलरेडी, मतलब आपके पाइथन की इंस्टॉलेशन के साथ आते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है OS, तो आपके इसमें OS ऑलरेडी आता है पाइथन के इंस्टॉलेशन के साथ। और सेकेंड टाइप होता है एक्सटर्नल मॉड्यूल्स। तो ये एक्सटर्नल मॉड्यूल्स वो होते हैं जो आपके पाइथन के साथ इंस्टॉल नहीं होते हैं और आपको वो अलग से इंस्टॉल करना होगा। तो अभी आपको अगर अलग से इंस्टॉल करना होगा तो हम कैसे करते हैं ये इंस्टॉल? तो आप यहाँ पर अपने टर्मिनल, जो कुछ भी हो सकता है आपके इस VS कोड के टर्मिनल में भी, वरना आप कमांड प्रॉम्प्ट मतलब CMD, वरना अपने विंडोज के पावर शेल में भी ये कोड टाइप कर सकते हैं। मैं आपको CMD में दिखाता हूँ। तो ये देखिए, तो ये कमांड होता है। तो जैसे मैंने एक मतलब मॉड्यूल के नाम है, जैसे पांडा से एक फ्लैक्स है, एक PyTTSX3 होता है और एक और होता है विकिपीडिया, वो हमें डाउनलोड करने होता है। तो आज हम एक फ्लैस्क वाला मॉड्यूल को हम डाउनलोड करना सीखेंगे। मतलब सारे मॉड्यूल्स के मतलब सिंटैक्स सेम ही होता है, बस आपको मॉड्यूल का नाम लिखना होता है लास्ट में। और इस मॉड्यूल्स के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। और पाइथन में मॉड्यूल्स ही मेन पार्ट है पाइथन में, क्योंकि मॉड्यूल्स के बिना कुछ भी करना बहुत हार्ड है। अगर आप कोई बड़ा कुछ प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो मैं आपको सिंटैक्स दिखाता हूँ एक मॉड्यूल को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो पहले आपको PIP लिखना होगा, फिर आपको स्पेस लिखकर इंस्टॉल लिखना होगा और फिर उस मॉड्यूल का नाम। तो हम यहाँ पर एक मॉड्यूल डाउनलोड करते हैं, मतलब जिसका नाम है फ्लैस्क। फ्लैस्क के साथ हम वेबसाइट्स बना सकते हैं। तो आपको बस जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा ही लिखना है और हमेशा हमेशा एक स्मॉल लेटर्स में लिखना है आपको टर्मिनल में, वरना आपको पूरा एरर ही एरर आएगा। तो आप देख सकते हैं अभी ये मैंने रन किया है। अभी आप कुछ मत टाइप कीजिएगा, अभी ये इंटरनेट से इसको स्कैन कर डाउनलोड करेगा। तो आपके इस डाउनलोड होने के बाद आपको दिखाएगा मतलब कलेक्टिंग फ्लैग्स, देखिए ऐसे दिखाएगा अभी हो रहा है इंस्टॉलिंग कलेक्टेड पैकेजेस, ये सारे पैकेजेस वो इंस्टॉल करेगा अभी। तो अभी हम इसे होने देते हैं। तो आप अभी सीख गए कि आप एक मॉड्यूल को कैसे डाउनलोड करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा आ रहा है सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। और ये सब वार्निंग्स आप सब इग्नोर कर सकते हैं, ये सब मतलब कभी कभी आ जाते हैं। मतलब अगर आपका कोई वार्निंग आ रहा है तो मतलब आप उसको लीव कर सकते हैं, पर अगर आपका कोई एरर आ रहा है, मतलब ये अगर रेड कलर में आया तो आपको श्योरली उसको चेक करना चाहिए। और येलो कलर नथिंग, मतलब आप उसको छोड़ सकते हैं। तो आप हम जान गए कि हम मॉड्यूल कैसे इंस्टॉल करते हैं, पर हम इस फ्लैस्क के मॉड्यूल के बारे में हम बाद में सीखेंगे। अब हम कुछ इंटरनल मॉड्यूल्स के साथ हम कैसे हम कोडिंग करते हैं हम वो सीखते हैं। तो हम ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट बंद कर देते हैं और हम यहाँ पर सीखेंगे। अभी हम सीखते हैं कि हम एक मॉड्यूल को कैसे हमारे इस कोड में हम ले आए। तो आपको इसके लिए बहुत सिंपल कमांड देना होता है, तो उसे कहते हैं इम्पोर्ट, के बाद स्पेस देकर आपको मॉड्यूल का नाम लिखना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अगर फ्लैक्स किया है फ्लैस्क, तो मुझे ऐसे आप देखिए मुझे कोई एरर नहीं दे रहा है। पर मैंने अभी PyTTSX3 का नाम का कोई मतलब मॉड्यूल नहीं इंस्टॉल किया है। तो हम देखते हैं वो कैसे आता है PyTTSX3। तो ये देखिए अभी मैं रन करूंगा, यहाँ पर मॉड्यूल का एरर आएगा। देखिए यहाँ पर ट्रैक और फाइल डी इन लाइन वन इम्पोर्ट PyTTSX में मॉड्यूल नॉट फाउंड।
तो आप देख सकते हैं आप ऐसे विदाउट इंस्टॉलेशन एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को नहीं यूज कर सकते। तो मैं आपको एक इंटरनल मॉड्यूल दिखाता हूँ। तो एक ओएस होता है इंटरनल मॉड्यूल, तो आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर का हो गया है और इसका मतलब ये अभी है हमारे इस प्रोग्राम में। तो अभी आप देखिए यहाँ पर कोई एरर नहीं आया है। तो मैं इम्पोर्ट ओएस को कैसे यूज करें, तो मैं आपको एक सिंपल कोड दिखाता हूँ। तो वो है ओएस डॉट स्टार्ट फाइल, और ये मैंने आपको एक लोकेशन दिया है जो मेरा क्रोम खोलता है। आप ये लोकेशन यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं पहले अपने स्क्रीन डेस्कटॉप में जाऊंगा। आप इसको गूगल को लेफ्ट क्लिक कर कर आपके ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस खुलेंगे। लास्ट वाले ऑप्शन जो जिसका नाम प्रॉपर्टीज है आप उसमें क्लिक कीजिए, और ये टारगेट टारगेट का ऐसे कॉपी कर कर पेस्ट कॉपी कर यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। और अगर आपका कुछ ऐसे सिंगल सिंगल कोटेशन में आ रहा है, मतलब सिंगल स्लैश में आ रहा है ये, तो आप मेक श्योर करें कि आपका ये डबल स्लैश है, क्योंकि अगर आप डबल स्लैश के बिना लिखेंगे तो आप वो नहीं खुलेगा, क्योंकि पाइथन मतलब ये ओएस डबल स्लैश के मदद से ऑन होता है। आपका कोई भी फाइल वो डबल स्लैश के मदद से चेक करता है। तो आप अगर आपका सिंगल स्लैश है तो डबल स्लैश देना मत भूलिएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि अभी मैं ऐसे आपको मैं अभी कमेंट करना सिखाता हूँ। तो अगर आप बस इस लाइन को कमेंट करना चाहते हैं, और अगर जैसे मैं यहाँ से कमेंट करना चाहता हूँ, अगर यहाँ से, तो मैं ऐसे मतलब एक्चुअली ये डबल कोटेशन में है इसलिए नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर जाके यहाँ पर फ्रंट में अगर लगा दूँ, तो आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर का हो गया। इसका मतलब ये कमेंट हो गया है, मतलब ये पाइथन का इंटरप्रेटर मतलब हमारा जो पाइथन है वो रन करेगा ही नहीं, वो इसको स्किप करके चला जाएगा। तो आप देख लिए आपको एक सिंगल लाइन कमेंट कैसे देना है। तो मैं ऐसे कुछ लिख देता हूँ। अब हम इसके इसको कैसे कमेंट करें, तो हम अगर इसको एक चार्ज में कमेंट करना चाहते हैं तो हम ऐसे ऐसे कर कर अगर 100 लाइन का कमेंट लिख रहा है, एक्चुअली कोई लिखता नहीं उतना बड़ा, अगर फिर भी हम लिख रहा है तो हम ऐसे अगर लिखेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ऐसे कर कर तीन बार ऐसे दबा देंगे मतलब वो डबल कोटेशन को। यहाँ पर आपको डबल कोटेशन ही यूज करना होगा, आप सिंगल कोटेशन यूज नहीं कर सकते हैं। तो आप ये लास्ट के तीन वाले कोटेशंस को कट कर एंड में पेस्ट कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया है। तो ये भी रन नहीं होगा, ये भी रन नहीं होगा हमारे पाइथन के इंटरप्रेटर से। तो अभी हम इसको कंट्रोल एस कर सेव करके रन कर देखते हैं कि हमारा गूगल क्रोम खोलता है कि नहीं। तो मैं इसको किल करके एक नया टर्मिनल खोलता हूँ। तो अभी ये इनिशियलाइज हो रहा है, अभी इसको रन होना चाहिए हमारे गूगल को। तो आप देख रहे हैं ये लोड हो रहा है मेरा गूगल, और देखिए मेरा गूगल खुल गया है। और आप ऐसे बहुत सारे मतलब आपको फाइल्स के लोकेशंस को कैसे सर्च करना ये जानना होगा। और आप देख सकते हैं मेरा गूगल खुल गया है। अब मैं आपको इस बार मैं फिर से आपको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमने ओएस इंपोर्ट किया, और ओएस डॉट स्टार्ट फाइल से हमने सी ऐसे हमने क्रोम को कॉल किया है। तो आप देख सकते हैं मेरा क्रोम खुल गया है ऐसे। तो अब हम सीखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल्स एक कंटेनर होता है जिसके अंदर आप एक वैल्यू स्टोर करते हो जो हमेशा चेंज होते रहता है। जैसे कोई नंबर, जैसे आप एक कैलकुलेटर वाला ऐप बनाया आपने कभी भी, तो उसमें आपका यूजर फर्स्ट नंबर लेता है मतलब अपने यूजर से हमारा प्रोग्राम, फिर सेकंड नंबर लेता है, और ये तो हमेशा ये 1 और 2 होगा, वरना 56 और 74 होगा फर्स्ट और सेकंड नंबर। तो ये तो हमेशा नहीं होने वाला है। तो हमको एक ऐसा एक कंटेनर बनाना होगा जो यूजर के इनपुट को स्टोर करता है। तो हम ऐसे ही एक कैलकुलेटर के जैसे बनाएंगे जो यूजर से एक नंबर लेता है और एक और नंबर लेता है, और फिर ऑपरेशंस लेता है मतलब कौन इसको क्या ऑपरेट करे। तो हम ऐसे कुछ वेरिएबल्स बना देते हैं। तो जैसे एक लिख देते हैं नंबर 1 इक्वल टू, और अब हमको इस वेरिएबल को असाइन करना है किसी वैल्यू से। तो हम इसको असाइन कैसे करते हैं, हम यहाँ पर क्या करें, नंबर 1
का वैल्यू वही होगा जो यूजर हमें दे रहा है नंबर वन के हिसाब से। तो हम यहाँ पर एक फंक्शन होता है जिसे हम कहते हैं इनपुट, हम उसे यूज करते हैं। तो ये इनपुट फंक्शन क्या करता है, ये यूजर से एक मतलब टाइप करने देता है यूजर को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी मैं इस फाइल के अंदर टाइप कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ पर ये खुल गया है, तो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ इसको इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, तो ये बार बार डिस्टर्ब नहीं करेगा हमारे कोड को। तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, हमें यहाँ पर टाइपिंग के लिए स्पेस मिल रहा है, हम यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो ये टाइपिंग का स्पेस हमें टर्मिनल में मिल रहा है, वो भी हमारे फाइल के अंदर, जो फोर मेन डॉट पी वाई है वो फाइल के अंदर हमें ये इनपुट फंक्शन हमें स्पेस दे रहा है हमारे यूजर्स के हिसाब से टाइप करने के लिए। तो हम तो क्वेश्चन तो पूछेंगे यूजर से, क्योंकि क्वेश्चन के बिना कोई आंसर नहीं बोल सकता है। तो यहाँ के दो तरीके हैं, आप यहाँ पर आगे भी प्रिंट करके लिख सकते हैं कि नंबर वन ऐसे भी टाइप कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पर भी इसे मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ, तो ये आपको ऐसे दिखेगा। रुकिए, यहाँ पर ये रन नहीं हुआ ठीक से, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर नंबर वन प्रिंट हुआ है, और फिर यहाँ पर आपको प्रिंटिंग के लिए मतलब टाइपिंग के लिए स्पेस मिल रहा है, और यहाँ पर आप एंटर दबा दोगे तो ये असाइन हो गया है इसमें। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम इस इनपुट से हम एक क्वेश्चन पूछेंगे, वो भी इनपुट के इससे, ना कि प्रिंट से। तो हम ये प्रिंट वाला डिलीट कर देते हैं, और अब ये हम इनपुट से क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप डबल कोटेशन लिखकर नंबर वन लिख सकते हैं, वो भी इस ब्रैकेट्स के अंदर। तो अब हम ये इसे टेस्ट कर देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं नंबर वन, और इसके साइड में मुझे दे रहा है तो 10 मैंने लिख दिया। तो अब हम क्या करते हैं, हम इस नंबर वन को प्रिंट करके देखते हैं कि हमारा कोड काम कर रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रिंट नंबर वन, और क्योंकि ये एक वेरिएबल है इसलिए हम इसको डबल कोटेशंस में नहीं लिख रहा है, क्योंकि अगर आपने इस नंबर वन को डबल कोटेशंस में लिखा तो आपके लिए ये ऐसे नंबर वन प्रिंट कर देगा, ऐसे मतलब ऐसे नंबर स्पेस वन। पर अगर आपने इस वेरिएबल के इसमें लिखा है मतलब विदाउट डबल कोट्स, तो आपको ये इसका वैल्यू देगा, इस ये वाला वैल्यू। तो हम इसको रन करके देखते हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये मुझे मतलब पूछ रहा है कि आप अपना नंबर वन टाइप कीजिए। तो मैं ऐसे लिखता हूँ 10 और एंटर दबाता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने प्रिंट कर दिया है 10। तो आप ऐसे ही और भी कुछ डिस्कवर कर सकते हैं अपने पाइथन में। तो आप ऐसे साइट्स में जाकर देख सकते हैं, जैसे ये पांडास एक होता है, मतलब पांडास एक मॉड्यूल होता है इसमें, PyTTSX मॉड्यूल होता है, स्पीच रिकॉग्निशन मॉड्यूल होता है, फिर पाई ऑडियो मॉड्यूल होता है। पाइथन के बहुत सारे ऑडियो मतलब मॉड्यूल्स है, और उन मॉड्यूल्स के बिना पाइथन में कोड करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम कब कौन सा मॉड्यूल यूज करते हैं। और अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख लिए और आप ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू दोस्तों।